हे गाइस, वेलकम टू चैनल A1 एकेडमी, जहाँ BSc नर्सिंग रिलेटेड हर एक अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलता है। साथ में आपको यहाँ पर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। आपको पता है यहाँ पर BSc नर्सिंग के जितने भी यहाँ पर सब्सिक्वेंट राउंड होने वाले हैं, राउंड 2, 3 और जितने भी मॉपअप और जो फाइनल इंस्टीट्यूशनल राउंड होने वाला है, उसमें भी आपको हेल्प मिलने वाली है। साथ में आपको हर एक अपडेट यहाँ पर जानने को मिलता है। तो सबसे पहले चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अब देखते हैं यहाँ पर आप सभी के जो क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे कमेंट आ रहा है कि सर, जो हमारा राउंड 2 है उसके डेट्स क्या है, कब स्टार्ट होगा राउंड 2, क्या कल से हमारा जो राउंड 2 है BSc नर्सिंग का राउंड 2 कल से ही यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। देन आपके सभी के यहाँ पर क्वेश्चन है कि सर, अगर मैं मुझे इतने परसेंटाइल है, मेरी रैंक इतनी है, तो क्या मेरा यहाँ पर सिलेक्शन पॉसिबल है, क्या मुझे कॉलेज मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको इन सभी आपके जो क्वेश्चन है, आप सभी के जो सवाल है, उसका आंसर दे देता हूँ। सबसे पहले तो आप सभी का यही है कि सर, राउंड 2 कब से स्टार्ट होगा, क्या हमें चॉइस फॉर्म फिर से यहाँ पर फिलअप करना होगा, क्या हमें फिर से प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करके रखनी होगी, जो कि हमें फिर से यहाँ पर कॉलेज लिस्ट डाल के हमारे प्रेफरेंस यानी कि आप यहाँ से वहाँ कर सकते हो, अदला बदली कर सकते हो। तो ये सब कुछ हम यहाँ पर इसी वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला है। सबसे पहले आपका यही क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूँ कि यहाँ पर कल से राउंड 2 स्टार्ट हो रहा है क्या। तो देखिए, हर एक स्टूडेंट ये जानने को बेकरार है, क्योंकि यहाँ पर राउंड 2 के लिए इतना लेट नहीं होता, क्योंकि जब भी यहाँ पर राउंड 1 का जो रिज़ल्ट है शो ऑफ हो जाता है, जो आपकी सिलेक्शन लिस्ट है वो जारी हो जाती है, उसके तुरंत 2 दिन बाद ही, जैसे कि प्रीवियस ईयर हुआ था, 2 दिन बाद ही यहाँ पर जितने भी वैकेंट सीट है हर एक कॉलेज में यहाँ पर बताए जाते हैं। अभी देखिए 29 अगस्त तो हो गया, ठीक है, 29 अगस्त हो गया, अभी यहाँ पर किसी भी वक्त आपका यहाँ पर जो वैकेंट सीट है हर एक कॉलेज में, वो वैकेंट सीट आने वाला है। तो सभी के लिए यहाँ पर ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जब यहाँ पर वैकेंट सीट आएगी तो आपको क्या करना होगा, सब कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। अब देखिए, आने वाले कुछ ही समय में या फिर ओवरऑल कल तक तो आप सभी के यहाँ पर वैकेंट सीट का एक ऑफिशियल PDF यहाँ पर जारी हो जाना चाहिए, जो कि नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो। सो डोंट वरी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है मैं आपको अलर्ट करने वाला हूँ। तो बात कर लेंगे यहाँ पर, सबसे पहले आपको यही पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेज में कितने वैकेंट सीट है। अगर मान लो आपने बेटरमेंट किया, बेटरमेंट करने के बाद आपके ऊपर यहाँ पर लगभग मान लो 8 से 10 कॉलेज होंगे, अब आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। तो ओवरऑल आपको पूरा एनालिसिस करना होगा कि कौन से कॉलेज में कितने सीट्स है, कितने कैटेगरी के कितने सीट्स है, ओवरऑल कितने कास्ट के लिए कितने सीट है। ओके, सब कुछ कास्ट कैटेगरी, देन वन आपका यहाँ पर कोटा है क्या, EWS कोटा है क्या, स्टेट है क्या, NRI है क्या, सब कुछ यहाँ पर आपको चेक करना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में या फिर आपको ओवरऑल जितना भी राउंड 2 से लेकर जितने भी राउंड होंगे उसमें आपको अगर सपोर्ट चाहिए, तो अभी काउंसलिंग परचेस कर लीजिए। और हाँ, अगर आपको BSc नर्सिंग जो स्टाफ यहाँ पर काउंसलिंग ले रहे हैं, उनसे अगर बात करना है या फिर व्हाट्सअप चैटिंग करना है, आपके कोई भी डाउट, क्वेश्चन, प्रॉब्लम रिलेटेड टू राउंड 2, देन वन आप सभी ने यहाँ पर जो बहुत कम कॉलेज डाले हैं वो सब कुछ, अगर आपको कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है तो आप इनके साथ शेयर कर सकते हो। विद इन 10 मिनट आपको यहाँ पर आपका सभी सोल्यूशन दे देंगे, आपका ओवरऑल सभी जवाब का आंसर आपको मिल जाएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो कि हाल फिलहाल में यहाँ पर 299 का ऑफर चल रहा है, तो ये ऑफर बढ़ के बहुत जल्द 500 रुपये होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही जो फाइनल यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी वैकेंट सीट की, तो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और बहुत सारे स्टूडेंट एनरोल करते हैं। तो अभी यहाँ पर जो कि है लगभग 299 में आपको मिल जाएगा, देन वन प्राइस इंक्रीज होगी, तो आप अभी परचेस कर लीजिए, आपके डाउट इनसे पूछ लीजिए। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए ओवरऑल मैंने तो आपको बता दिया फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब, जो कि राउंड 2 आपका किसी भी वक्त वैकेंट सीट का PDF जारी हो जाएगा, नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, मैं आपको अलर्ट करने वाला हूँ, नोटिफिकेशन देने वाला हूँ। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, जो कि हर एक स्टूडेंट के मन में है कि सर, हमें कॉलेज मिलेगा क्या। सर, मेरा इतना परसेंटाइज है, 90 अबो है, 80 अबो है, 95 अबो है। अब देखिए, मैंने जो काउंसलिंग ली, मेरे टीम ने जो काउंसलिंग की है स्टूडेंट की, उन्हें जो प्रेफरेंस लिस्ट बना के दी है, उनमें देखिए लगभग यहाँ पर 50 कॉलेजेस 100 कॉलेजेस डाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने यही गलती की है कि कॉलेज कम डाले हैं, उनको पता नहीं प्रीवियस 2 ईयर का कट ऑफ क्या जाता है, देन वन कॉलेज लिस्ट कैसे बनानी पड़ती है, सब कुछ। तो आपको इसी सब कुछ प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में यही ग्रुप हेल्प करने वाला है, सो एनरोल नाउ। तो चलिए देख लेते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन का जवाब, जो कि इस बार आपको चॉइस फॉर्म फिल करने देंगे, क्या बाद में आप कुछ चेंजेस कर सकते हो क्या आपके फॉर्म में। तो देखिए 2022 में यही हुआ था, 2022 में भी कुछ कॉलेज बढ़ाए गए थे, तो कुछ कॉलेज बढ़ाने की वजह से आपको एक ऑप्शन मिला था कि आप उसमें कॉलेज ऐड कर सकते हो। मान लो आपने फर्स्ट राउंड में आपको 99% है ना, अबो 90 है, और आपने कुछ ही 10 कॉलेज यहाँ पर चूज़ किया, आपको कॉलेज ही मिला नहीं, सो क्या फ़ायदा उसका।
तो यहाँ पर ओवरऑल देखिए, अगर आपको यहाँ पर चांस मिल जाता है तो आप इसका एडवांटेज लीजिए, किसी काउंसलर टीम से सपोर्ट लीजिए, तभी आपको यहाँ पर कॉलेज मिल पाएगा, क्योंकि उनको यहाँ पर एनालिसिस होता है लगभग 2 ईयर का और क्या कुछ चल रहा है, ओवरऑल लोग सब कुछ जानते हैं, इसीलिए आपको पूरी हेल्प होने वाली है। तो सबसे पहले यही देख लीजिएगा, देन वन आप देखिए, मैंने तो आपको बता दिया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन क्या आपको कॉलेज मिलेगा, कॉलेज डिपेंड करता है आपके परसेंटाइल, आपके रैंक और कितने वैकेंट सीट है, ये सब कुछ एनालिसिस आपको टीम करके देगा, तो व्हाट्सअप कर लीजिए उनको, मैसेज कर सकते हो आप। देन वन फाइनल आपका जो क्वेश्चन है बहुत सारे स्टूडेंट का कि लगभग कितने कॉलेजेस न्यू ऐड हुए हैं, तो मैं आपको बता दूँ प्रीवियस टाइम, ठीक है ना, प्रीवियस टाइम देखिए यहाँ पर लगभग 157 तो यहाँ पर प्राइवेट ही कॉलेज थे, तो यहाँ पर लगभग 120 तक कॉलेज चले गए। बाद में देखते हैं, बहुत सारे ऐसे अपडेट आ रहे हैं कि आपके कॉलेज बढ़ने वाले या फिर बढ़ गए हैं, तो देखेंगे अभी चॉइस फॉर्म फिलअप करते हुए क्या कुछ आता है, या फिर कॉलेज कुछ बढ़ गए तो उनका भी वैकेंट सीट का डाटा यहाँ पर, जो वैकेंट सीट का PDF नोटिफिकेशन आने वाला है क्या उसमें दिख जाएगा, तो सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे ही आपका यहाँ पर वैकेंट सीट का नोटिफिकेशन या फिर क्या टू रिलेटेड कोई भी अपडेट आ जाता है तो मैं आपको अलर्ट करने वाला हूँ। और आप देख सकते हो कि आप टू रिलेटेड किसी भी वक्त यहाँ पर अपडेट नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और हाँ अभी काउंसलिंग परचेस कर लीजिए जो कि 299 में आपको मिल रही है, बाद में यहाँ पर 500 कर दी जाएगी, तो यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है। अभी आप व्हाट्सअप चैटिंग कर सकते हो उनके साथ, आप उनको कॉल कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है आप उनसे पूछ सकते हो, पूरे सॉल्व होने वाले हैं। तो मेक श्योर आप यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके आ जाइए और यहाँ पर परचेस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, जैसे ही कुछ अपडेट आ जाता है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ।